तो ये है वो हमारी सीडी कैनन की पिक्समा G3000 3000, और ये है वो प्रिंटर। तो अभी हम इसकी सीडी इंस्टॉल करेंगे कंप्यूटर में, और ये हमने यहाँ लगा दिया सीडी ड्राइव पे सीडी, ये और इसको करेंगे अंदर। ये तो कई, अब यहाँ से हम डालेंगे सीडी ड्राइव वाला ऑप्शन ऑन करेंगे इधर से। तो ये देखिए यहाँ से कर दिया है हमारे कंप्यूटर, यहाँ से देख लेंगे पूरा। हमारी कंप्यूटर ओपन हो चुका है, सी डी अभी रन हो रही है, ये देखिए रन हो चुकी है यहाँ से। अब इस करेंगे इस पर क्लिक, सी डी रन हो रही है अभी, तो इसको रन होने देते हैं। और अब यहाँ से करेंगे ओके, तो यहाँ से यस करना आपको इसको, तभी यस होने लगी है। तो ये देखिए यहाँ से होने लगा है, इसको यहाँ से हम करेंगे। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा आपको, यहाँ से करना है आपको, यहाँ से स्टार्टअप, स्टार्टअप पर क्लिक करेंगे, और स्टार्टअप पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगेगा। उसके बाद आता है कुछ इस तरह से, आपको करना है यहाँ से नेक्स्ट। यहाँ पे आपको अपनी कंट्री सेलेक्ट करनी है, जैसे हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया, ऊपर एशिया, और यहाँ से करेंगे नेक्स्ट। फिर उसके बाद करोगे, फिर यस करोगे आप, फिर एग्री करना आपको इधर। एग्री करने में थोड़ा सा वेट करना है। अभी हम फर्स्ट ऑप्शन पे, उसके बाद जाएंगे सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फोर्थ हमारा लास्ट स्टेप होगा। उसके बाद कुछ इस तरह से आपको दिखेगा यहाँ से। फिर हमें करना है यहाँ से नेक्स्ट करना है, तो नेक्स्ट पर क्लिक कर दिया। वायरलेस करना चाहते हो तो वायरलेस कर सकते हो आप, नहीं तो आप USB से कनेक्ट करना चाहते हो तो USB से। अगर आप USB से कनेक्ट करना चाहते हो तो आपकी जो ये USB है यहाँ पे कनेक्ट होनी चाहिए, और यहाँ से जो है वो यहाँ से प्रिंटर अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में कनेक्ट होनी चाहिए। तो उसके बाद कर देंगे नेक्स्ट यहाँ से हम, तो यहाँ से नेक्स्ट कर दिया है। तो देखिए ये हो चुका है कनेक्ट, और ये 38 MB की फाइल है, ये इंस्टॉल हो रही है। तो ये हमारा ये सेटअप यहाँ से हो चुका है कंप्लीट। तो ये देखिए यहाँ से हो चुका है पूरा, 37 MB तक पहुँच गया है। उसके बाद ये एक बार फिर से ड्राइवर इंस्टॉल हो रहा है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे कुछ दिखा रहा है, इशू, मेक श्योर योर प्रिंटर इज दिस। इसके बाद करेंगे यहाँ से नेक्स्ट, तो यहाँ से कर देंगे नेक्स्ट, ओके कर देंगे, नेक्स्ट कर दिया हमने इधर से। फिर से करेंगे नेक्स्ट, प्रिंटर टेस्ट होएगा अभी, फिर नेक्स्ट करते हैं एक बार और देखेंगे, फिर नेक्स्ट करेंगे। सेटअप हो गया हमारा कंप्लीट, और करेंगे नेक्स्ट इधर से। अब ये नेक्स्ट करने के बाद अब देखते हैं क्या होता है। ये देखिए यहाँ से हमने सब पे टिक कर दिया है, अब करेंगे इधर से, वो उसकी जरूरत नहीं है। उसके बाद करेंगे नेक्स्ट, अब ये फिर से एक बार इंस्टॉल हो रहा है, 320 MB की फाइल है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं, देखते हैं कितना टाइम लगेगा। थोड़ा सा टाइम लगेगा, 2 मिनट टाइम दिखा रहे इधर, तो ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, थोड़ा वेट करते हैं, एक बार इसको हो जाने देते हैं सेटअप। तो ये देखें हमारा ये सेटअप हो चुका है पूरा, यहाँ से हम इसको कर देंगे एग्ज़िट। तो इसको कर देते हैं यहाँ से एग्ज़िट, ये हो गया यहाँ से एग्ज़िट पूरा। यार इंक बहुत जा रही है कर, और ये हो चुका है एग्जिट। तो अब ये यहाँ पे ओपन हो रही है हमारी एप्लीकेशन। तो ये देखिए यहाँ पे सब कुछ आ गया इसका सिस्टम, तो जो है हमारा वो एप्लीकेशन यहाँ से ओपन हो जाएगी। इसको यहाँ से कर देते हैं मिनिमाइज। तो यहाँ से देखिए सेटअप होना शुरू हो चुका है ये। एक बार होने देते हैं इसका सेटअप। तो ये देखिए यहाँ पे ये आ चुके हैं हमारे सारे ये कैनन वाले इधर की साइड, लेफ्ट साइड। तो यहाँ से हमको जाएंगे इस पर, तो ये देखिए यहाँ पे कुछ इस तरह से खुलेगा। यहाँ पे हमें ऑटो स्कैन करना है, तो ऑटो स्कैन पर हम क्लिक। तो हमारा पूरा सेटअप सेट हो चुका है। अब यहाँ से हम एक प्रिंट देंगे और कंप्यूटर में चेक करते हैं प्रिंटर से कि ये वाला जो प्रिंटर है ये अभी प्रिंट दे रहा है नहीं दे रहा है। तो यहाँ से चेक करते हैं एक बार, यहाँ आए हम यहाँ, और यहाँ से साइज चला। तो ये देखिए वो जो कमांड है वो यहाँ से आ चुकी है। तो इसी तरह आपको यहाँ से स्कैन करना है, यहाँ पे आप रखोगे डॉक्यूमेंट, और इधर यहाँ से मिनिमाइज करके ये आपको यहाँ से सेटअप खोलना है इधर से।
तो यहाँ से ये निकल जाएगा और यहाँ से आप करोगे इधर की साइड स्कैनिंग पे जाओगे, ये वाला इधर, और उसके बाद यहाँ पे करना आपको स्कैन, तो यहाँ से स्कैन हो जाएगा, बस आपको ये करना और यहाँ से आपको जो है स्कैनिंग हो जाएगी स्टार्ट। तो बस फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, कमेंट बताना वीडियो कैसे लगी, कैसा लगा आपको ये प्रिंटर, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना जरूर करना। थैंक यू।